चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इस हॉली हॉक प्लांट के बारे में बात करूंगी। यहाँ पर मेरे सब गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं। इसी पर ये देखिए, पता नहीं क्या चढ़ा हुआ है, पता नहीं खीरा है कि जो है फूट ककड़ी है। अभी इसमें कोई फ्रूट नहीं आया है। फ्लावरिंग तो कई दिन से हो रही है। मैं फ्रूट पील्स फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ, उसी में कहीं एक आग सीड पड़ गया है तो ये जम गया है। तो हाँ फ्रेंड, ये देखते हैं कि देखिए क्या हम, यही मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या मेरे हॉली हॉक के प्लांट में दोबारा फ्लावरिंग हो सकती है। एक बार जैसा कि ये देखिए, ये मैंने इसका वीडियो भी आपसे शेयर किया था, ये सूख गया था, इसका सीड भी मैंने कलेक्ट किया और ये हॉली हॉक का सीड भी बहुत समझ लीजिए कीमती है। ये देखिए, ये इस तरह से ब्लैक कलर के इसके सीड, ये देखिए मैंने काफ़ी कलेक्ट करके डिबिया में बंद करके रख दिया है। लेकिन इसको ये देखिए मैंने कट कर दिया था, ये दिख रहे हैं, ये यहाँ कट का निशान आपको दिखेगा, ये देखिए। लेकिन उसके बाद इसके किनारे किनारे ये न्यू ग्रोथ थी तो मैंने इसको हटाया नहीं। मैंने सोचा कि रहने देते हैं, देखते हैं इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे क्या करता है। लेकिन अभी मुझे मुश्किल से हफ्ता 10 दिन हुआ होगा काटे, लेकिन ये देखिए इसमें कलियां कितनी आई हैं। यहाँ देखिए ये, तो मुझे उम्मीद जगी कि इसमें शायद फिर से दोबारा फ्लावरिंग होगी। और ये मेरा प्लांट जब मैंने काटा था तो ये बहुत छोटे छोटे थे, और अब देखिए कुछ आपको बड़ा दिख रहा होगा। ये देखिए, तब केवल प्लांट के जड़ के किनारे किनारे ही थे, लेकिन जब वो सूखी वाली डाल कट गई तो ये जो है इस तरह से अब इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो मैंने इनको, ये मैंने बड़े से गमले में इसको लगाया था, क्योंकि इसका प्लांट बहुत लंबा, बहुत ऊपर तक जाता है, काफ़ी दिन तक फ्लावरिंग करता है, इसलिए मैंने इसको इसमें बड़े गमले में लगाया था। देखिए बगल में मेरे उसके प्लांट लगे थे जो है कॉसमॉस के, तो ये देखिए उसके सीड गिरे हैं, तो उसके भी देखिए प्लांट, ये कितने नन्हे नन्हे प्लांट उगे हैं इसके नीचे। तो एक साइड में है, मैंने इनको इसी में रहने दिया, तो जो है कोई हर्ज नहीं करेंगे। अगर ये अच्छे हेल्दी प्लांट हो जाएंगे तो मैं इनको कहीं लगा दूंगी। और उसी तरह से ये देखिए मेरी गोल्ड इसमें बहुत बड़ा सा प्लांट लगा हुआ था, जाफरी मेरी गोल्ड का, तो इसमें देखिए कितने अच्छे, कितने हेल्दी निकले हैं ये सीडलिंग, कहिए अब ये प्लांट बन चुके हैं। तो इनमें मैं अब लिक्विड फर्टिलाइजर डालने लगी हूँ कि इसमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, बस यही है कि इस समय इनको पौधे अभी छोटे हैं तो इनको जो है कड़ी धूप से बचाना है। 12 बजे से 3 बजे वाली धूप बहुत कड़क धूप होती है, आजकल लू भी चल रही है, तो इनको जैसी जगह, ये देखिए पेड़ों के झुरमुट के बीच में ये लगे हुए हैं, तो इनको जो है वही सुबह की 10-11 बजे तक की धूप लगती है, उसके बाद यहाँ छांव आ जाती है, किनारे दीवार भी है तो छांव आ जाती है, तो ये जो है इनमें ज़्यादा धूप नहीं लग पाती है। पानी इसको अभी इस समय हर प्लांट को कि प्लांट में नमी बनाए रखे, नमी मेंटेन रहेगी तभी हमारे प्लांट हरे भरे रहेंगे। और लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें, जैसे पहले मैंने जाड़े के दिनों में इनको 15 दिन 10 दिन के अंतर पर दिया, वैसे ही देते रहे, जरूर निश्चित ही इसमें फ्लावरिंग होगी। देखिए, देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे इनकी ग्रोथ होगी, कितने बड़े प्लांट होंगे, जाड़े की तरह खूब बड़े लंबे प्लांट होंगे कि कुछ छोटे होंगे। अब पहली बार मेरा ये एक्सपीरियंस है फ्रेंड, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।